तो आज ये मंथन दिल्ली में होने वाला है। यूपी चुनाव पर महामंथन है। बैठक में कौन से नेता शामिल होंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा चुनाव प्रभारी यूपी, ये सभी इस बैठक का हिस्सा होंगे और मंथन होगा कि आखिर किस रणनीति पर आगे बढ़ना है यूपी चुनाव को लेकर। स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुनील बंसल, प्रदेश महामंत्री, ये सभी नेता इस बैठक में शामिल होंगे और आज दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर ये मंथन होने जा रहा है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी और कौन से नेता पहुंच चुके हैं? देखिए आस्था, अगर बात किया तो ये बैठक तकरीबन 2 बजे दोपहर में शुरू होगी, जहां पे बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेता मौजूद रहे। और अभी मैं बीजेपी के जो पुराना पत्र है वहाँ का दृश्य दिखाना चाहूँगा, जो सिक्योरिटी है गृह मंत्री की, वो यहाँ पे आई है। तो अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में आ चुकी है। देखिए आप जिस तरीके से जो सिक्योरिटी जा रही है अंदर, ये गृह मंत्री के लिए आई हुई है। जो कि गृह मंत्री जहाँ भी पहुँचते उससे पहले उस तमाम सारे परिसर को चेक किया जाता है सुरक्षा कारणों से। तो लिहाजा जब ये सिक्योरिटी यहाँ पर पहुँची तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आएंगे और उस बैठक में शिरकत करेंगे और आगे की रणनीति को लेकर मंथन करेंगे। क्योंकि अगर बात करें तो कुछ दिन पहले ही बनारस में गृह मंत्री ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी जिसमें तमाम सारे जिला अध्यक्ष थे, उत्तर प्रदेश के जिला प्रभारी थे और चुनाव प्रभारी थे, उनके साथ मंथन किया था। और आज यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष और इसके साथ साथ अगर बात करें तो प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और इसके साथ साथ राधा मोहन सिंह के साथ यहाँ पे जो बैठक होगी उसमें तमाम सारी जो चीजें उस पर रणनीति तैयार की जाएगी कि आगे किस तरीके से जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता का किस तरीके से फायदा बीजेपी उठाए, पार्टी उठाए और किस तरीके से आगे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होने चाहिए। इसके साथ साथ जो और भी बड़े केंद्रीय नेता हैं उनके किस तरीके से कार्यक्रम होना चाहिए, किस तरीके से आगे चुनाव का अभियान होना चाहिए और कौन कौन सी योजनाओं का प्रचार काफी तेज करना चाहिए जिससे कि जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि बीजेपी ने काम किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी अगर बात करें तो प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को पहुंचकर वहां पे उसका उद्घाटन करेंगे और जनता को समर्पित करेंगे। इन सभी मुद्दों को जन जन तक पहुंचाना है, जनता के बीच में लेकर जाना है और उसी को लेकर आज मंथन होने जा रहा है।